हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। वो तीन फॉर्मेट में था, एक था पॉइंट फॉर्म में, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में और एक स्लोप फॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल पर क्वेश्चंस। जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे उस पर हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस 3x-4y-7=0। इस सर्कल पर उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है। जब इस लाइन के पैरेलल है तो अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो टेंजेंट इसका पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप इसका जितना स्लोप है उतना ही होगा। तो इस लाइन का स्लोप यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन है 3x-4y-7=0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4y=3x-7 एंड y=3/4 of x-7/4। यहाँ से ये जो x का कोफिशेंट है यही होगा स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 3/4, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल था तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 3/4। तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप अगर दिया हुआ है तो टेंजेंट का इक्वेशन y=mx+c। तो y=m है 3/4x+c, यह है टेंजेंट का इक्वेशन। हम लोग मान लिया टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये जब टेंजेंट का इक्वेशन है तो इस टेंजेंट को इस सर्कल पर टेंजेंट का कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट होगा, अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट होगा तो यहाँ पे कंडीशन कैसे हम लोग ड्राइव किए थे जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए थे सर्कल का। तो अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस करना है, उससे ये कांस्टेंट मिल जाएगा। जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है तो इस सर्कल का इक्वेशन से इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसका सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर होगा 1,2 सेंटर, और इसका रेडियस हो जाएगा 1² + 2² + 4 = 3। तो रेडियस हो जाएगा 3। और इस जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहीं से। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x-4y+4c = 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन, इसको जनरल इक्वेशन बना दिए। तो इसको यहाँ लिखेंगे 3x-4y+4c = 0। ये टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होगा, वो करना है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर है 1,2, तो 3×1-4×2+4c का मॉड बाई √3² + 4² = रेडियस है 3 ना। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आप देखिए 3-8-5, तो 4c-5 का मॉड, और नीचे कितना हो जाएगा 9+16 25 का रूट 5, और इधर 3 है तो हो जाएगा ये 15। तो यहाँ से मॉड ओपन करेंगे तो c का दो वैल्यू मिलेगा, एक होगा 4c-5=+15 और 4c-5=-15। यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना 4c का वैल्यू है ना। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 4c = 20 और यहाँ से 4c = -10। जब 4c का दो को वैल्यू आया, ऐसा दो टेंजेंट पॉसिबल है, और वो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, एक टेंजेंट का इक्वेशन आएगा 3x-4y+20=0 एंड सेकेंड टेंजेंट का इक्वेशन आएगा जब 4c का वैल्यू -10 रख देंगे यहाँ पे। तो सेकेंड टेंजेंट का इक्वेशन आएगा 3x-4y-10=0। ऐसा दो टेंजेंट है जिसका स्लोप होगा 3/4, और यहाँ लिख सकते हैं एक ये टेंजेंट है और एक सेम उसी के पैरेलल एक टेंजेंट होगा जिसका स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल है। तो एक सेम स्लोप का दो टेंजेंट पॉसिबल होता है सर्कल में, दोनों का स्लोप सेम है तो स्लोप 3/4 होगा, दोनों का स्लोप 3/4 है, कांस्टेंट का दो का वैल्यू आया तो ऐसा दो टेंजेंट पॉसिबल है, यही इसमें फाइंड करना था। क्लियर ना। अब सेकंड क्वेश्चन है,
फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस, इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं क्या? तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 3/4। इस लाइन का स्लोप 3/4 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप हम लिखेंगे -4/3, तब ना दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस वन। तो अगर टेंजेंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप अगर 3/4 है तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -4/3। अब टेंजेंट का स्लोप मिल गया, जैसे ही टेंजेंट का स्लोप मिला तो यहाँ से हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि ये सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। अब यही सेम सर्कल है जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे, तो इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा 1.2 और इसका रेडियस होगा 3। जब स्लोप आ जाएगा -4/3 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं y इक्वल टू -4/3x + c, कांस्टेंट है ठीक है। जब स्लोप पता है टेंजेंट का तो y इक्वल टू mx + c से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4x + 3y - 3c = 0। ओके, तो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, तो इस लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y - 3c = 0। तो सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर है 1.2, तो सेंटर से परपेंडिकुलर 4.1 + 3.2 - 3c / √4² + 3² = 3। तो सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 4 + 6 10 10 - 3c = 15। यहाँ से मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का दो का वैल्यू आएगा, तो 10 - 3c = 15 और 10 - 3c = -15, क्लियर ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3c का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3c = -5 और यहाँ पे 3c = 25, तो 3c का दो वैल्यू मिला। जब 3c का दो वैल्यू मिला तो इस इक्वेशन, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, यहाँ पे 3c का वैल्यू रखना है, तो दो इक्वेशन आएगा टेंजेंट का। तो इसका इक्वेशन आएगा, फर्स्ट इक्वेशन आएगा 4x + 3y और 3c का वैल्यू -5 है, यहाँ लिखना है -3c, तो +5 = 0। और सेकेंड इक्वेशन आएगा जब 3c का वैल्यू 25 रख देंगे तब, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4x + 3y - 25 = 0। ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब जब भी टेंजेंट का स्लोप पता रहेगा तो सेम स्लोप का ऐसा दो टेंजेंट पॉसिबल होगा ठीक। एक ही मान लेंगे ये टेंजेंट है जिसका स्लोप -4/3, एक सेम स्लोप का एक और टेंजेंट हो इसका स्लोप होगा -4/3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल x² + y² = 16 हैज टेंजेंट y = 2x + 4√5, ये टेंजेंट है इस सर्कल पर, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब ये बताना है कि ये टेंजेंट इस सर्कल पर किस पॉइंट पर टेंजेंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल पर टेंजेंट है तो ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस हम लोग लिख सकते हैं, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? सेंटर 0 0, और इसका, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 4, इसका रेडियस हो जाएगा 4। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग मान लेते हैं x1, y1, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लें x1, y1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टेंजेंट का इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करना सीखा था ना, कैसे क्या होता है टेंजेंट का इक्वेशन t = 0। तो इस पॉइंट पर x1, y1 पर इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन होता है t = 0, और t = 0 से क्या चीज़ हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कि x² कन्वर्ट हो जाएगा x(x1) में, y² कन्वर्ट हो जाएगा y(y1) में, और इस तरह से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से x² है, ये कन्वर्ट होगा x(x1) में, y² y(y1) में = 16, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो अब ये जो इक्वेशन है,
इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो टेंजेंट का इक्वेशन आया, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन आया, ये इक्वेशन अगर यही इक्वेशन है, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम इक्वेशन अगर होगा तो ये लाइन इस पॉइंट x1, y1 से पास करेगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे x1, y1 पॉइंट मान लिए, अब उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए। वो टेंजेंट यही सेम टेंजेंट होगा अगर यही सेम टेंजेंट जिसका इक्वेशन लिखेंगे 2x - y = -4√5, मतलब अरेंज कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन ना, ये दोनों इक्वेशन सेम टेंजेंट का इक्वेशन है, सेम टेंजेंट का इक्वेशन, सेम लाइन को, अगर दो लाइन किसी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तब दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब दोनों कोफिशियंट का रेशियो सेम होना, सेम डिग्री का कोफिशियंट रेशियो सेम होना। जैसे x का कोफिशियंट कितना, x1 है, यहाँ x का कोफिशियंट 2 है, तो कंपेयर करेंगे तो x1/2 आ जाएगा, इक्वल टू y कोफिशियंट, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 16 है, यहाँ पे -4√5 है। तो यहाँ से तीन इक्वेशन आए ना, यहाँ से तो यहाँ से ये फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड से x1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से ये कटेगा, आ जाएगा -8/√5। और सेकंड और थर्ड से माइनस माइनस कटेगा, 4 से 16 कटेगा, आ जाएगा 4/√5। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो फाइंड करना था उसी कोऑर्डिनेट आ गया -8/√5 and 4/√5। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -8/√5 and 4/√5। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना था। तो जब भी ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना होगा और टेंजेंट का इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1, y1 एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख देना है। और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस केस में दोनों को कंपेयर करना है और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है। कंपेयर करना मतलब कोफिशियंट का रेशियो इक्वल कर देना, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। इस यही मेथड है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने का, क्लियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन, टेंजेंट टू द सर्कल दिस x² + y² = 5 एट 1, -1। इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऑल्सो टचेज द सर्कल दिस। इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस सर्कल पर भी टेंजेंट है। देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इस सर्कल को टच कर रहा है, और किस पॉइंट पर टच कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो देखिए, इस सर्कल का सेंटर कितना है, 0, 0 और रेडियस रूट फाइव। इस सर्कल का सेंटर है 0, 0 और रेडियस रूट फाइव, रेडियस है रूट फाइव। इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर कितना है, 4, -3 है ना। इस सर्कल का सेंटर है 4, -3 और इसका रेडियस, खैर इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, बस ये समझना है कि ये कोई सर्कल होगा, जैसा भी सर्कल, या तो कट कर रहा हो या फिर जैसा भी होगा ये कोई सर्कल होगा। ऐसे इस सर्कल पर किसी पॉइंट पर 1, -2 पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है ना, इस सर्कल को टच कर रहा है। तो हम लोग फाइंड करना है कि इस सर्कल पर जहाँ पर टच कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का कोऑर्डिनेट, जो x1, y1 हम लोग मान लिए। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसको, कि इस पॉइंट पर, इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं t = 0 करके। और दोनों लाइन सेम लाइन को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो x1, y1 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे t = 0। t = 0 करेंगे किस सर्कल पर, ऑन x² + y² = 5 एट 1, -2। तो इस पॉइंट पर, इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, कैसे लिखते हैं हम लोग, x x1 लिखते हैं ना, तो ये x1 है, ये y1 है, तो x into 1
प्लस y इंटू माइनस टू इक्वल टू फाइव, तो x माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किस सर्कल पे, इस सर्कल पे, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, वो किसके टर्म में आएगा, वो x1 कॉमा y1 के टर्म में आएगा। तो t इक्वल टू जीरो करेंगे किस सर्कल पर, ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू जीरो। किस पॉइंट पर, एट x1 कॉमा y1, इस पॉइंट पर, इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे t को जीरो करके, तो x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा x x1 में, y स्क्वायर कन्वर्ट होगा y y1 में, और x कन्वर्ट होता था x प्लस x1 बाय 2, तो बाय 2 करेंगे तो 8 कटेगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 4x प्लस x1 प्लस 3y प्लस y1 प्लस 20 इक्वल टू जीरो। ये टेन का इक्वेशन, इसको अब अच्छे से अरेंज करेंगे, मतलब x का कोफिशियंट एक साथ, y कोफिशियंट एक साथ, और कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ। तो यहाँ से x का कोफिशियंट कितना आएगा, x का कोफिशियंट एक तो यहाँ पे x1 है, और x का कोफिशियंट यहाँ पे माइनस फोर है, तो x1 माइनस फोर इंटू एक्स, प्लस y का कोफिशियंट, y कोफिशियंट यहाँ पे y1 है, और y कोफिशियंट यहाँ पे 3 है प्लस 3, तो y1 प्लस 3 ऑफ y, उसके अलावा जितना टर्म बचा सबको एक साथ लिखेंगे, तो ये होगा माइनस फोर एक्स वन प्लस थ्री वाई वन प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये टेंजेंट का इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ये भी तो टेंजेंट का इक्वेशन है, और दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो दोनों लाइन को कंपेयर करना है, मतलब कोफिशियंट का रेशियो इक्वल करना है। तो यहाँ कोफिशियंट पहले ये लेंगे, तो x1 x1 माइनस फोर बाई x का कोफिशियंट, यहाँ पे x1 माइनस फोर है, यहाँ पे कितना है 1। अब y कोफिशियंट देखिए, यहाँ पे y कोफिशियंट है y1 प्लस 3, और यहाँ y कोफिशियंट कितना है माइनस 2 ना, ओके। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म माइनस फोर एक्स वन प्लस थ्री वाई वन प्लस 20, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, इधर आ जाएगा ना, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी इक्वल टू जीरो करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, तो माइनस फाइव। अब ये इस इक्वेशन से एक्स वन वाई वन का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स वन वाई वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो माइनस फाइव जो है, माइनस फाइव इधर इंटू हो जाएगा, तो माइनस फाइव यहाँ पर इंटू होगा, तो ये होगा माइनस फाइव एक्स वन प्लस 20, तो इधर लिखते हैं माइनस फाइव एक्स वन प्लस 20 इक्वल टू में है माइनस फोर एक्स वन प्लस थ्री वाई वन प्लस 20। तो यहाँ से इसको अरेंज करेंगे, माइनस फाइव एक्स वन उधर जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स वन प्लस थ्री वाई वन, और 20 तो कट जाएगा ना, x1 वन प्लस थ्री वाई वन इक्वल टू जीरो, इसको मानते हैं इक्वेशन थर्ड। ये आ गया फर्स्ट और थर्ड से आ गया। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो माइनस टू यहाँ पे इंटू होगा, माइनस टू यहाँ पे इंटू होगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स वन प्लस एट इक्वल टू वाई वन प्लस थ्री, ठीक है, वाई वन प्लस थ्री, तो यहाँ लिख सकते हैं टू एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू फाइव, ये आ जाएगा इक्वेशन फोर आ गया। अब इक्वेशन फोर को सॉल्व करना है, तो एक्स वन वाई वन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको इंटू करते हैं टू से इंटू करेंगे इक्वेशन थर्ड को, तो ये इक्वेशन थर्ड कन्वर्ट हो जाएगा अब टू एक्स वन प्लस सिक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा माइनस फाइव वाई वन इक्वल टू फाइव, यहाँ से आ जाएगा वाई वन इक्वल टू माइनस वन। तो जब वाई वन का वैल्यू माइनस वन आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन या तो थर्ड या तो फोर्थ या फिफ्थ किसी भी इक्वेशन रखेंगे तो एक्स वन मिल जाएगा, तो इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, एक वाई वन का वैल्यू माइनस वन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो आ जाएगा एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो सो एक्स वन इक्वल टू थ्री, तो एक्स वन का वैल्यू थ्री
y1 के वैल्यू -1, तो ये जो पॉइंट ऑफ पॉइंटर था x1 y1 वो हो जाएगा 3, -1 जो फाइंड करना था, ठीक है, क्लियर ना। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना था दूसरे सर्कल पर, तो दूसरे सर्कल पर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गया 3, -1, यही आंसर है।